बैक टू माई चैनल। सो इन टूडेज वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो है विंटर फैब मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है विथ न्यूड लिपस्टिक, न्यूड ब्राउन लिपस्टिक एंड पर्पल आई शेडो के साथ मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो में मूव ऑन करते हैं और देखते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे अचीव किया है। वीडियो में मूव ऑन करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट लाइक बटन एंड कमेंट डाउन करें कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। चलें तो अब वीडियो में मूव ऑन करते हैं। सो अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप कर लूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़िप सीरम। विंटर है तो आप कोई सा भी अच्छा सा सीरम ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो और अच्छे से लगे। उसे मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर एंड एज अ प्राइमर। ये दोनों का वर्क करेगा मेरे मेकअप के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसे भी ले लूंगी एंड मिक्स करके अपने टी जोन एरियाज पे लगा लूंगी। अच्छे से इसे मसाज कर लूंगी अपने फेस पे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मेबिलिन फिटमी का फाउंडेशन। मेरा शेड है इसमें 025। इसे मैं अपने पाम पे निकाल लूँगी और फिर मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप फाउंडेशन को हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। आप जिससे कम्फर्टेबल हैं आप उससे फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। मैं अपने नेक पर भी लगा लूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा कवरेज देता है एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, बिल्कुल भी केकी और पैची नहीं लगता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ओलिविया का मेकअप स्टिक कंसीलर के लिए। मैं अपने डार्क सर्कल्स पे लगा लूँगी, अपने आईलेट पे लगा लूँगी। जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है कंसीलर की मैं वहाँ वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी और उसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप मेरे ओलिविया मेकअप स्टिक का रिव्यू देख सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। काफ़ी अच्छा कंसीलर भी है और आप इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करूँगी। मेबिलिन फिट मी के कॉम्पैक्ट से मैं अपने फेस को सेट कर लूंगी। इसमें मेरा शेड है आइवरी। मैं पूरे होल फेस पे नहीं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट, जहां जहां पे मुझे नीड है मैं वहीं वहीं पे लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं अपने आई शेडो के लिए एक पैलेट यूज करूंगी। वो पैलेट है सॉफ्ट रोज का पैलेट। इसमें से मैं ये दो शेड ले लूंगी। फर्स्ट मैं लाइट पर्पल लूंगी और उससे मैं आई शेडो लगाऊंगी। मैं क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। देन मैं उसके बगल वाला जो डार्क शेड है वो लगाऊंगी एंड इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये दोनों सेम ही कलर है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन सेम ही कलर है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड पे। मैं अब अपने नेक्स्ट आई पे भी आई शेडो लगा लूँगी अच्छे से और उसे भी ब्लेंड कर लूँगी।
नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई करूंगी। मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल। इसे बस मैं हल्का सा अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। मैं यहाँ पे भी सॉफ्ट रोज का मस्कारा ले रही हूँ। गाइस ये इतना अच्छा मस्कारा है, आप देख सकते हैं कि एक ही बार में मुझे कितने अच्छे फॉल्स आईलैशेस का इफेक्ट दे रहा है ये मस्कारा। नाउ मैं अपने ब्लश के लिए डार्क पिंक कलर ले रही हूँ एंड उसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अपने दोनों चीक पे अप्लाई कर लूँगी। ये पैलेट भी सॉफ्ट रोज का पैलेट है। मुझे जितने प्रोडक्ट्स के लिंक पॉसिबल होंगे मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उधर जाके चेक कर ले। ये हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे, ये मैंने DIY हाइलाइटर खुद से बनाया है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो चेक कर लें। ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर बना है, आप देख सकते हैं। मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज, चीक्स पे। ये काफ़ी अच्छा एंड पिगमेंटेड हाइलाइटर है गाइस, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे। मैं हुडा ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं पूरे फेस पे अपने स्प्रे कर लूँगी। उसके बाद मैं ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो मार्स की लिप लाइनर है। ये न्यूड ब्राउन कलर की लिप लाइनर है जो मुझे काफ़ी पसंद है और इससे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आता है। कितने लिप लाइनर ऐसे भी होती हैं जिसको आप एज ए लिपस्टिक लगा सकते हैं और ये बहुत ही मैट फिनिश देता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ब्यूटीफुल कलर है इस लिप लाइनर का। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं लगाऊंगी यहाँ पे बिंदी। बिंदी से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट मैं वेयर करूँगी झुमका जो गोल्ड कलर में है। इस लुक को आप ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लुक है। मैं अपने झुमका वेयर कर लूंगी एंड अब आती हूँ मैं फाइनल लुक पे। सो गाइज ये था मेरा मेकअप लुक, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।